हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, या यूं कहें कि लंगूरगढ़ी मंदिर। ये मंदिर भैरवगढ़ी के पास ही है। तो आज हमने सोचा क्यों ना मंदिर में भी चलें, लंगूरगढ़ी मंदिर में। तो ये रास्ता है, यहाँ से हम जाएंगे आगे की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर धीरे धीरे। अभी तक जब मैं नीचे से चल रहा था, नीचे से आते आते काफ़ी टाइम हो गया, तो नीचे गर्मी काफ़ी थी, चढ़ाई भी थी और गर्मी भी काफ़ी थी। अब जैसे जैसे मैं हाइट पे चढ़ रहा हूँ तो हवा चल रही है और काफ़ी राहत मिल रही है। ठीक है, अच्छी बात है। और जैसा कि पहले मैंने कहा था, यहाँ पे बांज के पेड़ काफ़ी हैं। ये देखिए सामने, ये पूरे बांज के पेड़ हैं। इनकी वजह से जो है यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ठीक हो जाता है, जिससे यहाँ हवा अच्छी चलती है और गर्मी ना के बराबर लगती है। तो अब हम धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो अपनी गाय बछड़ों को चराने के लिए इधर ही लाते हैं, क्योंकि यहाँ उनके लिए घास की कोई कमी नहीं है। आगे से मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सारी गाय आ रही हैं। सारी गाय आगे चली गई और एक छोटी बछिया है जो यहीं पर रह गई। ये भी अब धीरे धीरे वहीं जाएगी, ये डर रही है। इसको मैं रास्ता देता हूँ। आजा आजा आजा, हाँ ना, चलो देखो कितना डरी हुई है। ये जितनी भी गायें आ रही हैं, लगभग सभी के गले में घंटी बंधी हुई है। ये घंटी बांधने का एक कारण ये भी है कि ये गायें झुंड में घास खाते खाते कभी बहुत दूर निकल जाती हैं, तो ढूंढना मुश्किल होता है। तो इसलिए इनके गले में घंटी बांधी जाती है, ताकि ये जहाँ भी जाएं घंटी की आवाज़ सुनाई दे और ये पता लगाया जा सके कि ये गायें अभी कहाँ पर पहुँची हैं, ताकि इन्हें वापस घर लाया जा सके। चलते चलते काफ़ी टाइम तो हो गया है, थोड़ा दूर और है। अभी यहाँ से आप नीचे के जंगल देखें, कितना हरा भरा है यहाँ पे। ऐसी जगह मुझे बहुत पसंद है, बजाय शहर की भीड़ भाड़ से हल्ला शोर, वो मुझे पसंद नहीं आता। इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं ऐसी जगह पे पहुंच जाता हूँ। यहाँ एक अलग सा सुकून है जो मुझे मिलता है। और अब हम काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं, यहाँ से जाना किधर को है मुझे ये पता नहीं चल रहा है। फ्रेंड्स, मैं अब ऐसी जगह पे आ गया हूँ, यहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे जाना किधर है। अब मैं कहीं रास्ता ना भटक जाऊँ, क्योंकि दूर दूर तक मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और इधर कुछ पेड़ हैं, बाकी इधर से पूरा ये जो है कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है, तो कुछ तो दिखाई ही नहीं दे रहा कि जाना किधर को है। अब मुझे ये डर है कि मैं निकल जाऊं और कहीं गलत जगह ना पहुंच जाऊं। क्या करा जाए, यहां से वापस भी नहीं लौट सकता बिना दर्शन किए। रास्ते का पता कैसे लगाऊं, यहां पे तो चारों तरफ से फॉग ही फॉग हो रहा है, कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। और अभी आसपास कोई है भी नहीं जिससे पूछा जाए कि मंदिर का रास्ता किधर है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे वो पता लगाने के लिए किसी चोटी पे चढ़ना पड़ेगा। और सबसे ऊंची चोटी ऊपर, काफ़ी ऊपर है, तो मैं फ़िलहाल वहीं जा रहा हूँ, ताकि दिख सके कि मुझे जाना कहाँ है। यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं वहाँ पे चढ़ के कि कहाँ से हमें जाना कहाँ है। इस वक्त कोहरा काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो हम ऊपर की ओर चढ़ेंगे। यहाँ पे घास काफ़ी है और सबसे ऊंचाई पे जाके मुझे शायद पता चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है। पहाड़ों पे चढ़ना और वहाँ के तीर्थ स्थानों पे पहुँचना आसान नहीं है,
इस वक्त मैं पत्थरों पे चढ़ रहा हूँ और पत्थर भी अपनी जगह से जो है खिसकते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो इस वक्त मैं आ गया हूँ थोड़ी ऊंचाई पे, लेकिन मंदिर कहाँ है ये पता नहीं चल रहा है। चढ़ना कहाँ है ये देखें, दूर दूर तक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, चारों तरफ से धुआं वो कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। यार यहाँ से तो कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल मैंने सोचा है कि मैं इस रास्ते से ऊपर ले जाऊँगा, और कोई ऑप्शन लग नहीं रहा है मुझे। फिलहाल वो भी अब क्या बताऊँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ से किधर को जाया जाए। लेकिन फिलहाल मैंने सोचा मैं यहाँ से ऊपर ले चढ़ता हूँ, अगर यहाँ से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे लग रहा है मुझे यहाँ से फिर वापस लौटना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं इस रास्ते से कहाँ तक जाया जा सकता है। मंदिर ऊंचाई पे होगा, अरे रास्ता ऊंचाई पे जा रहा है। यहाँ से रास्ता तो बना है लेकिन कह नहीं सकता क्योंकि घास इतना है, क्या पता है रास्ता वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे, या आधे से ही रास्ता गायब हो जाए। फिलहाल हम यहाँ से ऊपर के लिए चल रहे हैं और ये रास्ता काफ़ी चढ़ाई से भरा हुआ है। ये जिस चीज़ का मुझे डर है वही होता जा रहा है, आगे से रास्ता जो है बिखरता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है जाए किधर से जाए। एक तो आज इतना कोहरा है, इस तरफ तो कुछ ज़्यादा ही कोहरा है। अब आप आपको कैसे दिखाऊं कि हम कितनी ऊंचाई पे हैं, क्योंकि ये देखिए ये कोहरा लौट के इतना ऊपर आ रहा है, इसकी वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और जब भी बारिश होती है कोहरा होता ही है, तो शायद यहाँ पे भी कुछ टाइम पहले काफ़ी बारिश हुई होगी जिसकी वजह से ये कोहरा अभी छटा नहीं है। यहाँ घास इतना है कि पाँव एक एक फीट तक तो अंदर चले जा रहे हैं, अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जाए तो जाए किधर। मैं घूम फिर के उसी जगह पे तो नहीं आ गया, देखिए नीचे कोहरा कितना उड़ता हुआ आ रहा है, इस कोहरे की वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा और टाइम भी बहुत लग रहा है, और दूर दूर तक मुझे कोई नज़र भी नहीं आ रहा है जिससे मैं पूछ सकूं कि मैं जाऊं तो जाऊं किस तरफ। घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया, आखिर में मुझे जिस चीज़ का डर था वही हुआ, इस कोहरे के चक्कर में रास्ते का पता नहीं चल रहा, और जिस जगह से मैं चला था आखिर में उसी जगह पहुंच गया। अब क्या करूं, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कोहरा इतना लगा हुआ है और शायद अभी मिले कि ना मिले, मैं शायद रास्ता भटक गया। थोड़ा और आगे चल के देखते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पे अगर आगे से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि हम वहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, क्योंकि इस कोहरे की वजह से मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है। इस बार मैंने रास्ता चेंज कर दिया है, अब जिस रास्ते पे चल रहा हूँ देखता हूँ शायद ये वाला रास्ता ठीक हो। ये तो कुछ कह नहीं सकते हैं, आप सामने देख रहे हो कि क्यों नहीं कहा जाता, बस अभी हम चले जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बार जिस रास्ते पे चल रहे हो ये सही हो और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे। बहुत मुश्किल होता है ऐसे, और दूर दूर तक कोई इंसान है नहीं यहाँ पर, फिलहाल अभी तो नहीं है। मुझे लगा रास्ता ठीक होगा
सही, जैसे रास्ता भैरवगढ़ी मंदिर का है वैसे ही ये रास्ता होगा, सीधा मंदिर तक जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, रास्ते जो हैं कन्वर्ट हो रहे हैं दो तीन जगहों पे। तो चलिए देखते हैं इस रास्ते में कि इस रास्ते से हम कहाँ तक पहुँचते हैं। भैरवगढ़ी के रास्ते में काफ़ी लोग मिल जाते हैं रास्ते में चलते चलते, तो कहीं पे दिक्कत हो तो उन्हें पूछ भी लेते हैं कि यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से किधर को जाना है, तो वो बता भी देते हैं कि आपको सीधे जाना है या दाएं जाना है या बाएं जाना है, कौन सा रास्ता पहले सही रहेगा। लेकिन इस रास्ते पे अभी तक मुझे कोई नज़र नहीं आया गाय के, एक या दो लोग नीचे मिले थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ठीक है रास्ता जा ही रहा है सीधा सीधा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा ऊपर पे आया रास्ता गायब। अब वो रास्ता एक से दो तीन जगह के लिए जा रहा है, समझ नहीं आ रहा जाऊँ कहाँ। चलते चलते दो रास्ते आ गए, मैंने कहा इस रास्ते पे चलना। अब जो पहले वाला रास्ता मैंने चूज़ किया था उस रास्ते पे मैं आगे गया ऊपर से देखा कुछ नहीं दिखाई दिया, मैं चला गया। चलते चलते मैं वापस उसी जगह पे आ गया जिस जगह पे पहले खड़ा था। तो कोहरे में ऐसा हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। अब इस रास्ते पे चल रहा हूँ तो देखो ये रास्ता कहाँ तक ले जाता है। हालांकि ये रास्ता काफ़ी उबड़ खबड़ है, पत्थर ही पत्थर से भरा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। ऐसी जगहों पे चलने का मज़ा तभी आता है। आप देख रहे होंगे पहाड़ी पहाड़ है, और आपको मैं रास्ता दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे का रास्ता पूरा पत्थरों से भरा हुआ है। अब यहाँ से भी नीचे दिखाता हूँ आपको कितना गहरा है। ये देखिए बहुत गहरा है नीचे तक। तो अभी हम चलते जा रहे हैं, इस बार अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं और प्रभु के दर्शन हो जाएं। रास्ता काफ़ी टूटा फूटा है लेकिन ठीक है, इस बार तो यहाँ काफ़ी फॉग लगा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अभी तो जो भी है ठीक है, लेकिन एक बार फिर आएंगे इधर ताकि मैं भी रास्ता अच्छे से देख लूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये देखिए जिसका डर है वही है, रास्ता टूटा हुआ है, टूटता हुआ जा रहा है, इधर से भी रास्ता हुआ है और उधर को भी जा रहा है। अब मुझे ये नहीं पता ये रास्ता घुमा घुमा के मुझे कहाँ ले जाएगा, यहाँ से फिर मुझे सोचना पड़ रहा है क्योंकि मंदिर है चोटी पे ऊंचाई पे, और ये रास्ता कहाँ को जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। चलिए देखते हैं एक बार और कहाँ तक जाते हैं हम लोग। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैं मंदिर के आसपास ही हूँ, लेकिन इस कोहरे की वजह से मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि मुझे जाना किधर को है। वैसे भी ये बरसात का सीज़न है, सावन का महीना चल रहा है, इस महीने तो ये सब होना ही था, मगर इतना पता ही नहीं चल रहा है रास्ते का, बस चलते जा रहे हैं। अभी रास्ता जा तो रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है पता नहीं, कहीं ये द्वारिखाला निकल जाए। अभी यहाँ पर देख रहा हूँ मैं तो पेड़ काफ़ी छोटे छोटे, चीड़ के पेड़ देख रहे हैं आप सामने, काफ़ी छोटे छोटे पेड़ हैं, लगता है अभी नई नई पैदावार नए नए पेड़ हुए हैं। और यहाँ पर काफल के पेड़ भी काफ़ी हैं, काफल उत्तराखंड का राज्य फल है, बहुत टेस्टी होता है, मैंने खाया है। और यहाँ बुरांस भी होते हैं, बुरांस का सीज़न भी मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल का टाइम होता है, लेकिन इस वक्त तो नहीं। तो चलते जा रहे हैं देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। सामने एक छोटा सा तालाब बारिश के पानी से भरा हुआ है, लगता है गाय भी यहाँ आके पानी पूनी पीती है, उनके पैरों के निशान भी हैं। हे भगवान कितनी दूर बसे हो आप और कहाँ पर हो कुछ पता ही नहीं चल रहा है।
एक तो इस कोहरे ने परेशान कर दिया, और ये रास्ता कैसे कहाँ को जा रहा है अभी कुछ पता नहीं है। चलते चलते काफ़ी देर हो गई है और मैं चलते ही जा रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा मैं जा कहाँ को रहा हूँ। रास्ता तो है, अभी रास्ता कहाँ ले जा रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है। मंदिर दूर है, पास है। अभी थोड़ी देर पहले इस रास्ते पे चलते चलते मेरी नज़र काकड़ पे पड़ी। हमारे यहाँ काकड़ कहते हैं, हिरन टाइप का कुछ है, मतलब हिरन की जैसा होता हो। अब क्या कहते हैं उसे, मृग कहते हैं, कस्तूरी मृग तो नहीं है शायद यहाँ पर, लेकिन मृग जैसा ही है। वो मुझे देख के इतनी जल्दी भागा। यहाँ से चढ़ाई लग रही है, कहीं पे चढ़ाई ख़त्म हो जा रही है, पता नहीं मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बस कदम है जो चलते जा रहे हैं, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है। आज दर्शन होते हैं या फिर ऐसे ही लौटना पड़ेगा। पहाड़ी पहाड़ी है, यहाँ से रास्ता बिखरता हुआ जा रहा है, लेकिन रास्ता बना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहुँचेगा। अब ये देखना है कि ये रास्ता वाकई में पहुँचता कहाँ है। हम चढ़ाई तो चढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, एक चीज़ देखें, हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो पूरा कोहरा ही कोहरा बढ़ता जा रहा है। आपको थोड़ा नीचे दिखाता हूँ, वहाँ देखिए दिख रहा है शायद, आप पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वहाँ धूप भी लगी हुई है और नज़ारा भी साफ दिखाई दे रहा है। तो हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो कोहरा भी ऊपर को आते जा रहा है, उड़ उड़ के आने पर ही लगा हुआ है। चलते चलते हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, इसकी हाइट काफ़ी होगी। हनुमानगढ़ी और भैरवगढ़ी ये बहुत ऊंचाई पर हैं, क्योंकि यहाँ से सड़क बहुत नीचे है और हनुमानगढ़ी तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। शायद इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि रास्ता मिल नहीं रहा है, बस चले जा रहे हैं। पर मानना पड़ेगा इस रास्ते पे लगभग क्या मतलब कोई मिला ही नहीं, जो मिले वो मुझे नीचे ही मिले भैरवगढ़ी वाले रास्ते पे। और इतना चढ़ने के बाद भी अभी तक कुछ पता नहीं है कि मैं सही रास्ते पे हूँ या गलत रास्ते पे हूँ। मेरे हिसाब से इतना चलने के बाद यार खाली हाथ लौटूँ ये अच्छा नहीं होगा, कम से कम दर्शन तो होने चाहिए। इतना चल के आया है, हे प्रभु कृपा करो। अभी तो मुझे वापस निकलना भी है पर मंजिल में नहीं पहुँचे। पता नहीं यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये रास्ता घुमा के कहीं मुझे द्वारिकाल ना पहुंचा दे, ऐसा ना हो कहीं मैं मंदिर की परिक्रमा ही करता रह जाऊं। आज के तो लक्षण भी कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। फिर से यहाँ से रास्ता चेंज, एक नीचे के लिए एक ऊपर के लिए। अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि नीचे का रास्ता फिर नीचे ही ले जाएगा। फिलहाल हम ऊपर का रास्ता देखते हैं, शायद ये मंदिर के लिए जा रहा होगा क्योंकि मंदिर जो है वो चोटी पर ही है, वहाँ से दूर दूर के नज़ारे दिख जाते हैं। फिलहाल आज तो कुछ दिखने वाला है नहीं, देखेगा तब जब मंदिर मिलेगा, और मंदिर अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। पता नहीं हम जा कहाँ को रहे हैं। जंगल भी काफ़ी घना है, लेकिन ये मंदिर कहाँ पर होगा? मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, ये रास्ते जा तो रहे हैं लेकिन पता नहीं यार अब कहाँ को जा रहे हैं। बढ़ते बढ़ते इतना आगे आ गया